नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। जो तस्वीर सामने आई है उसे देखने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंच से ऊर्जा मंत्री के इस तरह से चरण वंदना करना कितना जायज है। आखिर चरण वंदना करके सिंधिया खेमे के मंत्री क्या जाहिर करना चाहते हैं, आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे। चर्चा को विस्तार दे उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुतबा क्या है, ये गाहे बगाहे नजर आ ही जाता है। सिंधिया खेमे के शिवराज सरकार के मंत्री सरकार के प्रति निष्ठा रखते हैं या नहीं, ये शोध का विषय हो सकता है, लेकिन महाराज के चरणों में सरकार के कई मंत्री और सत्ताधारी दल के विधायक नजर आते हैं। ऐसी तस्वीरें कई बार देखने को मिलती है जिसमें सिंधिया की चरण वंदना करते कई मंत्री नजर आते हैं। स्थानियों से हमारे नेता प्रद्युम्न सिंह जी का स्वागत करें। ये जो आयोजन है इसकी सारा जो हमारे को आशीर्वाद है उनके द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इतनी शानदार जो मैराथन है, स्थानियों से हमारे नेता प्रद्युम्न सिंह जी का स्वागत करें। ये जो आयोजन है इसकी सारा जो हमारे को आशीर्वाद है उनके द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इतनी शानदार जो मैराथन है। सिंधिया ने पार्टी बदली और उनके दिन बदल गए, लेकिन कैडर वाली पार्टी में आकर भी उनका रुतबा बरकरार है। सिंधिया खेमे के मंत्री के लिए मानो महाराज ही सब कुछ है, जबकि पीएम मोदी ने पार्टी को सख्त हिदायत दी है कि पार्टी में चरण वंदना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद सिंधिया समर्थक पार्टी के नियमों को ताक पर रख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सिंधिया पार्टी से बढ़कर है? क्या इस तरह नेताओं और मंत्रियों की चरण वंदना जायज है? क्या ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा नहीं है? क्या बीजेपी में नया कल्चर पार्टी के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी में विचारधारा के बजाय व्यक्ति विशेष की चापलूसी क्या सब कुछ है, या महाराज को अपना तरीका बदलना पड़ेगा? सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। हम समझने की कोशिश करेंगे, हमारे संवाददाता ग्वालियर से विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जो तस्वीरें सामने आ रही है, आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का जन्म दिवस है और मंच पर जिस तरह से ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की चरण वंदना दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या समझे इसे? क्या चाटुकारिता है? कितना जायज है सार्वजनिक मंच से इस तरह करना? देखिए, सार्वजनिक मंच से इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर भी एक मंत्री है, संवैधानिक पद पर है, और अगर इस तरह से सार्वजनिक मंच पर जब पैर छुए जाए या चरण दंडवत किए जाए तो उससे जो समाज है उसमें गलत मैसेज जाता है। लेकिन दरअसल वाक्य ये हुआ था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तकरीबन 12 किलोमीटर तक जो मैराथन में दौड़े थे, और चूंकि ये जो पूरा आयोजन था ये प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा आयोजित कराया गया था आयोजन, और इसमें जब ज्योतिरादित्य सिंधिया दौड़ रहे थे तो उनके विधानसभा क्षेत्र से होते हुए, तमाम इलाकों से होते हुए वो दौड़ते हुए मंच पर पहुंचे, तो उन्होंने इस बात के लिए कृतज्ञता जाहिर की कि आपने पूरे कार्यक्रम में आप दौड़े, तो उनके चरण दंडवत किए, और जैसे ही चरण दंडवत करते देखा तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री को उठाया और गले से लगा लिया। लेकिन ये कोई पहला वाक्य नहीं है। आपको शायद याद होगा कि जब जो बीजेपी जब कांग्रेस शासन जब कांग्रेस सरकार में आई थी, और उस समय जब मंत्री शपथ ले रहे थे, 2018 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय भी शपथ ग्रहण समारोह में भी जो ऊर्जा मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर, उस समय उनको खाद्य मंत्री मिला, विभाग मिला था, और उस समय भी उन्होंने मंच पर इसी तरह से चरण दंडवत की थी। तो कोई पहला ये वाक्य नहीं है। लगातार इस तरह से उनके वीडियो सामने आते रहे हैं, एक दो वीडियो और भी पहले इस तरह से सामने आते रहे हैं, और चूंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे नजदीक माना जाता है ग्वालियर में, और ये भी माना जाता है क्योंकि जिस तरीके से जब सरकार गिरी कांग्रेस की, तो खुद प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के साथ रहे, और जो टिकट दिलाने में सबसे ज्यादा सहयोग उस समय कांग्रेस में प्रद्युम्न सिंह तोमर को सिंधिया ने दिया, और अभी भी उनके साथ वो खड़े हुए, तो उन्होंने अपनी कृतज्ञता जाहिर की। लेकिन ये अलग मामला है, इस तरह से अगर सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे युवा भी थे,
और अन्य लोग भी थे, तो उससे जो समाज है उस पर भी गलत असर पड़ता है। और जो पार्टी की गाइडलाइन है कि जिस तरह से अभी आपने बोला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस तरह से पार्टी से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन ये उसके बाद भी जब दिखाई देता है, विनोद, पार्टी से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन जो चरण वंदना है, जो तस्वीरें है, वही दिखा रही कि पार्टी से बढ़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। देखिए, चूंकि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए हैं, उनके लिए तो यही कहा जा सकता है, भले ही इसको स्वीकार ना किया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हों या जो मंत्री हैं उनके साथ मौजूद है या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, वो आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया में ही आस्था रखते हैं। भले ही बीजेपी नेता कहलाते हो, बीजेपी के कार्यकर्ता कहलाते हो, बीजेपी के मंत्री कहलाते हो, लेकिन उनकी जो आस्था है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया में है, और ये किसी से छुपा भी नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में साफ तौर पर देखने में मिलता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका चर्चा है स्वागत में। धन्यवाद मैम। जी रविंद्र जी, तस्वीरें आई है सामने कि जिस तरह से ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चरण वंदना करते दिख रहे हैं, कितना जायज है, क्या मैसेज जाएगा ये लोगों के बीच? ये कोई नई नहीं है, हम तो लंबे समय से, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ और मैं लंबे समय से ये देख रहा हूँ कि वहाँ जितने भी लोग हैं वो सिंधिया परिवार के, सिंधी के जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो यशोधरा राजे हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या वो बड़े सिंधिया थे, सभी के पैर पड़ने की एक परंपरा ऐसी बन गई है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसे कुछ रोकने की कोशिश की है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, हमने 2018 में जब पहली बार पद्म सिंह तोमर ने यहाँ मंत्री पद की शपथ ली थी, तब राजभवन में हमने देखा कि उन्होंने पैर नहीं पड़े थे, अपना पूरा सिर उनके चरणों में रख दिया था, जिसको अपन शास्त्रार्थ दंडवत कहते हैं ना, उस तरह का किया था। सच्चाई ये है कि ये लोग नेता नहीं है, ये लोग महल के एक तरह से कार्यकर्ता के तरह काम करता है कि हम महल से बंधे हुए हैं, इनकी सारी निष्ठा महल से बंधी हुई निष्ठा मानी जाती है, जनता के प्रति उससे उत्तरदायी नहीं है जितने वो महल के प्रति है या सिंधिया जी के प्रति है। लेकिन पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है, पीएम खुद कहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें तो यही बयां कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से बड़े हो गए हैं। देखिए, मेरे पूर्व जो वो भी इसी बात को बोल रहे थे कि सिंधिया जी के साथ जितने लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनकी निष्ठा आज भी सिंधिया जी के साथ है। ये कहा जाता है कि भाजपा में आने के बाद में लोगों को दूध में शक्कर की तरह मिलना होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। आज भी ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी के दो तरह के नेता हैं, एक पुराने भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल नेता और दूसरे सिंधिया जी के साथ आए हुए नेता। इसको बिल्कुल सच है, ये इस सच्चाई को भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े पूरा संगठन स्वीकार कर रहा है कि इस समय भाजपा में पूरी लाइन ऊपर से नीचे तक खींची हुई है। सिंधिया समर्थक और भाजपा समर्थक दो तरह के नेता वहाँ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रविंद्र जी, ये जो सम्मान या प्यार, कृतज्ञता जो भी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के प्रति दिखा रहे हैं, तो वह सवाल वही है कि क्या बार बार सार्वजनिक तौर पर दिखाना जरूरी है? ये उनका स्वभाव है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। ऊर्जा मंत्री जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन जिससे वो चर्चा में रहे हैं, खबर में रहे हैं वो। जी स्वभाव भी हम समझ रहे हैं, प्यार भी समझ रहे हैं, कृतज्ञता भी समझ रहे हैं, सम्मान नहीं, भी समझ नहीं, रहे हैं। स्वभाव और वो अलग बात है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। प्रद्युम्न सिंह तोमर को पता है कि यहाँ 10 कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ मैं पैर छूंगा तो निश्चित तौर पर खबर बनेगी। यदि वो वहाँ पैर नहीं छूते तो शायद आज हम और आप बात नहीं कर रहे होते। तो वो खबरों को लेके, मीडिया को लेके इतने जागरूक रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे वो दूसरे दिन के अखबारों की सुर्खियां बन सके, ये उनका स्वभाव है। जी मतलब कहा जा सकता है कि अखबारों की सुर्खियां और सुर्खियों में आने के लिए वो ये सब करते रहते हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल तय है, कभी वो खंभे पे चल जाना, कभी नाले में उतर जाना, कभी चप्पल छोड़ देना, कभी सिंधिया जी के पैरों में लेट जाना, ये क्या कहेंगे, ये नेताओं के गुण तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं खबरों में बने रहने का एक गुण तो मैं दिखाई देता है। जी जी हेलो हेलो विनोद, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? हेलो जी, देखिए अभी जो बताया था बिल्कुल सही है कि ग्वालियर चंबल अंचल में बाकायदा इस समय दो खेमे हैं बीजेपी में। एक तो जो कांग्रेस से आए हैं वो बीजेपी में अलग खेमा है उनका, और जो मूल रूप से बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका अलग खेमा है। जैसा बताया था कि
बीजेपी में दूध में शक्कर की तरह मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। और यहाँ ऐसा लगता है कि दूध में जीरा डाला है, जो जीरा अलग दिख रहा है, शक्कर अलग दिख रही है और दूध अलग दिख रहा है, लेकिन एक ही गिलास में सब है। और ये सबको पता है कि एक ही गिलास में भी रह के सब अलग अलग है। तो अपने अपने नेता के प्रति उनकी आस्था है। जब इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस को छोड़ा तो उन्होंने केवल सिंधिया के सिंधिया जी को लेकर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। और अभी इमरती देवी के भी जब आपने एक बयान आए हैं और सुनते भी रहते हैं कि उन्होंने एक बयान भी दिया था कि अगर महाराज कहेंगे तो कुएं में गिर जाएंगी। तो जब इस तरह से आस्था रहती है तो फिर इतनी अगर किसी की आस्था है तो उसमें बहुत ज्यादा कहना या बात करना मैं समझता हूँ बेमानी होगी, क्योंकि आस्था उनकी नेता में ज्यादा है पार्टी से ज्यादा। जी जी, मतलब ये निकल के सामने आ रहा है कि जो सिंधिया खेमे के जो भी नेता हैं उनका जो सम्मान है या प्यार है या लगाव है वो सिंधिया से ज्यादा है। जिस तरह से आपने बोला कि एक गिलास में तो है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है, और तस्वीरें बार बार यही बयां करती है कि वो नजर नहीं आ रहा है। पार्टी एक है लेकिन खेमे अलग अलग है। देखिए, ये किसी से छुपा भी नहीं है और ये सामने आता है। इसका एक कारण ये भी है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो मंडलों की नियुक्तियां होनी थी, मेला प्राधिकरण अध्यक्ष बनने थे, जीडीए के अध्यक्ष बनने थे, साडा के अध्यक्ष बनने थे और तमाम जो प्राधिकरण उनके अध्यक्ष नियुक्त हो जाने चाहिए थे। अभी सरकार का अब 2023 में चुनाव होना है, 2000 जब सरकार बनी थी, उपचुनाव हुए थे, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी थी, उससे लेकर अब तक इसी कारण से नियुक्तियां नहीं हो पाई कि आखिर नियुक्ति किसकी करी जाए, मूल बीजेपी के कार्यकर्ता की जाए या फिर ज्योतिराज सिंधिया के साथ छोड़कर जो कार्यकर्ता या नेता आए हैं उनकी नियुक्ति की जाए। तो इसके चलते ग्वालियर चंबल अंचल में अभी तक इन मंडलों की नियुक्ति नहीं हो पाई। तो ये भी अपने आप में साफ हो जाता है कि बहुत कुछ ठीक नहीं है और जो होना चाहिए वो नहीं है और आपसी खींचतान बनी हुई है। सरकार भले ही समर्थन से बनी हो लेकिन जो स्थिति है वो जग जाहिर है और सबको सब पता है कि स्थिति क्या है। और आने वाले 2023 में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो मूल कार्यकर्ता है बीजेपी के वो भी अब कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं कि जब दो तरह के कार्यक्रम हमें दिखाई देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बीजेपी का कार्यक्रम होता है तो मूल कार्यकर्ता उसमें ज्यादा दिखाई देते हैं, जब सिंधिया जी का कार्यक्रम होता है तो उनके साथ जो कांग्रेस छोड़कर आए थे वो कार्यकर्ता ज्यादा उसमें दिखाई देते हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि अभी तक ना दूध में चीनी मिली है ना चीनी में दूध मिला है। जी जी, इस जो तस्वीरें विनोद हम देख रहे हैं, विपक्ष की ओर से कोई बयान सामने आया है? अभी विपक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, उसमें ना ही किसी तरह से उन्होंने कहा है ये। चूंकि जब हमने कांग्रेस के नेता हैं देवेंद्र शर्मा उनसे पूछा कि इस तरह का मामला सामने आया है तो उन्होंने कहा कि ये उनका निजी मामला है, वो किसके चरण वंदना करते हैं नहीं करते हैं इस पर बहुत कुछ कहना उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और किसका क्या बैठते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ ज्यादा इस मामले को लेकर कहा नहीं है। जी रविंद्र जी, आपसे सवाल है, जिस तरह से विनोद जी ने बोला कि दूध में चीनी जो है वो नहीं मिल पा रहा है, हालांकि जो तस्वीरें हैं वो भी यही बयां कर रही है, तो क्या लगता है दूध में चीनी मिल भी पाएगा क्योंकि चुनाव भी है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल तय है कि सिंधिया के लोग सिंधिया के साथ ही रहेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं मिल पाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, यदि आपने कभी देखा हो कि जब सिंधिया जी भोपाल आते हैं तो उनकी अगवानी करने के लिए उनके ही समर्थक पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता नहीं जाते हैं। तो आज भी ये तो तय है कि मध्य प्रदेश में बेशक सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हो नहीं पाए हैं अभी तक। वो कोशिश करते हैं कि वो एयरपोर्ट से उतर के सीधे संघ कार्यालय जाएं, लेकिन संघ कार्यालय में जाने के बाद भी ऐसा लगता नहीं है कि संघ ने कोई बहुत ज्यादा उनको वो रिस्पॉन्स दिया हो जिस तरह के दूसरे नेताओं को देता है जो मीटिंगें होती हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, जहां तक ये पैर छूने वाली बात है या समर्थकों की बात है, तो आज भी आप ये कह सकते हैं आप कि जैसे कांग्रेस के अंदर कहा जाता था फूल छाप कांग्रेसी, वैसे ही अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहा जाता है कि सिंधिया समर्थक या सिंधिया विरोधी। तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय ऊपर से नीचे तक दो खेमे हैं, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में और मालवा के कुछ इलाकों में जहां सिंधिया समर्थक आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी छवि जो सिंधिया समर्थक की मानी जाती है ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। जी, तो क्या लगता है रविंद्र जी की जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें खींचतान नजर आएगी, क्योंकि खेमे तो दो ही हैं? निश्चित तौर पर ये खींचतान अभी आएगी नहीं बल्कि हमें तो दिखाई देने लगी है। अभी आपने देखा होगा चार पांच दिन पहले भोपाल में समन्वय समिति कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई थी, जहां सभी केंद्रीय मंत्री और सिंधिया जी खुद आए थे। मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि मंत्रिमंडल फेरबदल पर जो संभावित चर्चा हो रही है उसमें सिंधिया जी को बताया गया है कि उनके कौन कौन मंत्री कमजोर है। उससे आपने देखा होगा सिंधिया जी के चेहरे पर अलग तरह के भाव थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब सिंधिया जी को कितने दिनों तक कैसे झेलेगी, उनके समर्थकों को कैसे झेलेगी। मैं आपको बताऊं कि टोटल जितने लोग सिंधिया जी के
साहब ग्वालियर में आए थे वो उपचुनाव में 7 लोग चुनाव हार चुके और उन 7 लोगों को वहाँ कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, जिससे पार्टी के नीचे के लोग काफी नाराज हैं। मैं बता सकता हूँ जी रविंद्र जी, आप बने रहेगा हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेश शर्मा जुड़ गए हैं। धर्मेश जी स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी नमस्ते धर्मेंद्र जी, आपने देखा ही होगा कि किस तरह से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चरण वंदना करते नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? ये लोग पार्टी के वफादार नहीं है और ये किसी पार्टी के सगे नहीं हो सकते, चूंकि ये एक नेता के चाटुकार हैं और उसी की चाटुकारता में बिजी है। अब सरकार के संवैधानिक पद पर मंत्री जी बैठे हुए हैं, इस प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और वो संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए चरणों में सरकार की तरह लेट रहे हैं। पूरी सरकार जैसे उनकी चरणों में हो और जैसे महाराज ही सरकार नहीं सरकार से भी बढ़कर है, ये अपने नेता की चाटुकारता की पराकाष्ठा है और ये भारतीय जनता पार्टी वाले नेता देखें और सोचें समझें, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए। ये उनके लिए भी शर्मिंदगी भरा विषय है कि एक नेता की किस प्रकार से महिमा मंडन एक नेता का किया जा रहा है और कैसे एक नेता को सब कुछ मानकर सरकार भी दंडवत है। मैं तो यही बोल पाऊंगा और ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले टाइम में नासूर साबित होंगे, चूंकि जो कांग्रेस ने इनको नाम दिया, पति दिया, पहचान दी, जब ये कांग्रेस के नहीं हुए तो ये आगे चल के भाजपा के क्या होंगे? इस पर विचार भारतीय जनता पार्टी के नेता करें। रविंद्र जी, जी आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा? हाँ, निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा है वो सही है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी महाराज को भाई साहब बनने में टाइम लग रहा है। महाराज जिस दिन भाई साहब बन जाएंगे, कोशिश तो बहुत चल रही है पिछले 2-3 साल से, लेकिन भाई साहब महाराज भाई साहब नहीं बन रहे, श्रीमंत जो अभी भी वो श्रीमंत है। हालांकि सिंधिया जी की ओर से खुद पहल की जाना चाहिए, कायदे तो खुद सिंधिया जी इस बात को पहल करें कि भाई मेरे पैर छूना बंद करिए। यदि वो अपने कार्यकर्ताओं को मना करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो उनके पैर छुएंगे, लेकिन जब राजा महाराजों को खुद ही अच्छा लगता है कि लोग उनके पैर छुए, अभी भी वो राजा महाराजों की तरह रहे और बाकी लोग प्रजा की तरह रहे, तो ये सब चीजें साफ दिखाई दे रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में। विनोद, आपका कोई सवाल धर्मेश जी से, धर्मेंद्र जी से? विनोद आवाज आ रही है आपको? जी जी। आपका कोई सवाल धर्मेंद्र जी से? मेरा सवाल ये है कि ये चूंकि जो परंपरा ऐसा नहीं है कि बीजेपी में है, इससे पहले कांग्रेस में भी यही परंपरा थी, जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे उस समय भी ये सब कुछ चलता था। जैसा कि अभी रमन जी बता रहे थे कि जब राजभवन में शपथ ली और उस समय भी चरण वंदना हुई, तो उस समय भी तो कांग्रेस में ही थे, तो धर्मेंद्र जी को ये बताना चाहिए कि क्या चरण वंदना बीजेपी में शुरू हुई है कि कांग्रेस से शुरू हो गया? आइए यहाँ धर्मेंद्र जी। विनोद जी, कांग्रेस पार्टी में कभी किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आपने किसी के सामने लेटते हुए दंडवत करते हुए देखा क्या? कांग्रेस पार्टी कई बार देखा है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आप मुझे एक बता दें जो किसी के सामने दंडवत होकर लेटा हो। रविंद्र जी बताइए। नहीं नहीं, मैं तो मुझे तो पता है ना, इसके फोटो भी है, जानकारी भी है। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में, राजभवन में कांग्रेस के पार्टी के नेता थे सिंधिया जी और कांग्रेस की ओर से मंत्री बने थे प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूरा लेटकर चारों तरफ बिल्कुल दंडवत होकर उन्होंने उनको चरण स्पर्श किए थे, उनको अपना सिर उनके चरणों में रखते रहे हमेशा। तो वो उस समय कांग्रेस में थे, बीजेपी में अंतर इतना ही है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है और लोकतंत्र को जिन भाजपाइयों ने रविंद्र जी खरीद फरोख्त कर धर्मेंद्र जी और जब बड़े महाराज थे मांगाराम सिंधिया जी, तो इन किसी की हिम्मत नहीं थी उनसे हाथ मिलाने की। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता हाथ नहीं मिला सकता था महाराज से। बिकाऊ लालों ने की दम पर भाजपा ने सरकार बना ली, चूंकि ये बिकाऊ मंत्री और इनके गृह के सरगना जो थे। धर्मेंद्र जी आप एक बार बता दीजिए, क्या ये बात सत्य नहीं है कि जब माधवराव जी सिंधिया थे, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की ग्वालियर चंबल संभाग में हिम्मत नहीं थी कि हाथ मिला ले, और कोई हाथ मिलाने आगे बढ़ाता था तो वो हाथ जोड़ लेते थे, कभी हाथ नहीं मिलाते थे। यानी वहां सिर्फ पैर पड़ने की परंपरा रही है, हमने लंबे समय से देखा है, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। रविंद्र जी, माधवराव सिंधिया
जनप्रिय नेता थे, लोकप्रिय नेता थे और एक पार्टी के प्रति वफादार थे। वो अपने जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित रहे कांग्रेस के प्रति वफादार रहे। कांग्रेस उनके अंतिम विदाई भी कांग्रेस में रहते हुए हुई। उन्होंने कभी नहीं, मैं वफादार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चरण वंदना वो भी करा रहे थे, उनके बेटे भी करा रहे हैं, जनप्रिय नेता थे, उन्होंने आप मेरी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने ग्वालियर चंबल के लिए अनेकों विकास कार्य किए, मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, बामोर इंडस्ट्रियल एरिया हो, ये सारे जब डेवलप किए तो जनता में उनके प्रति एक आदर का भाव था। उस भाव के कारण ही लोग उनका सम्मान करते थे। उन्होंने अजय विश्नोई जी भी जुड़ गए हैं। अजय जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? अजय जी, धर्मेंद्र जी, जी रविंद्र जी का सवाल ये है, चरण वंदना का सवाल है कि कांग्रेस में भी चरण वंदना होती थी और यहाँ पर भी हो रही है, सवाल ये है। कांग्रेस पार्टी में कभी चरण वंदना ना किसी नेता की हुई और ना होती है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक दल है और आदर पूर्वक कोई किसी का सम्मान करे। चूंकि ऐसे नेता थे माधवराव सिंधिया जिसकी रविंद्र जी ने बात की कि उनका लोग सम्मान करते थे, वो इसलिए करते थे कि उन्होंने ग्वालियर चंबल को अपना परिवार माना और कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार मानकर वो सारी उम्र जिए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी वफादारी और निष्ठा के प्रति उनको आदर के भाव से देखते थे, इसलिए उनको लोग सम्मान देते थे। और निश्चित तौर पर जो कोई भी व्यक्ति अपनी रीति नीति और विचारधारा के साथ वफादार रहता है, कमिटमेंट के साथ जो पार्टी में काम करता है, उस कार्यकर्ता का, उस नेता का सम्मान हर दल में होता है। दल बदलुओं का सम्मान कहीं भी नहीं होता, ना कांग्रेस में होता है और ना भाजपा में होगा। मुझे तो ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो भी इन दल बदलुओं को ज्यादा सम्मान देने का काम नहीं करेगा, और अगर वो करता है तो ये उनकी आपस की चर्चा है। वो आपस में इसको चर्चा कर देखें, समझें कि पार्टी के मूल कार्यकर्ता पर इसका क्या असर पड़ेगा। विनोद जी कोई और सवाल आपका? विनोद जी पूछे मैं जरूर जानना चाहता हूँ कि ये जो मैं लगातार मेरी उम्र लगभग 60 के आसपास है, मैंने पहले राजमाता जी के प्रति देखा कि वो उनके चरण वंदना होती थी, मैंने माधवराव जी के प्रति देखी, मैंने यदुरादित्य की देखी। क्या हम अपने जीवन काल में अब क्या सिंधिया जी के जो बेटे हैं महाआर्य सिंधिया उनके भी इसी तरह की चरण वंदना करेंगे या ये परंपरा अब रुकेगी? धर्मेंद्र जी, विनोद जी तो काफी जानकारी रखते हैं उस क्षेत्र से, यदि वो लाइन पे हो तो वो ही इस बात का जवाब दे सकते हैं। विनोद जी देखिए ये बिल्कुल अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि उस समय परिस्थितियां क्या रहती है, क्योंकि जो परंपरा चली आई है वो आपने भी देखी है, आप भी ग्वालियर के हैं और इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने आज भी देखा है और आगे भी देखते रहे हैं कि अभी भी जब उनके कोई कार्यक्रम होते हैं महानारायण सिंधिया जी के तो उसमें कई लोग जाते हैं और उनके पैर छूते हैं, चरण वंदना करते हैं। चलिए रविंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद और विनोद आपका भी बहुत धन्यवाद और धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।